गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं अपने फॉरेन एक्सचेंज का। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, कुछ थियोरिटिकल पार्ट हमने पढ़े थे, कुछ डेफिनेशंस हमने पढ़ी थी, एंड लास्ट पे हमने पढ़ा था फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शंस, उसको किस तरीके से हमको ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, तो हमने देखा था सबसे पहले इनिशियल रिकॉग्निशन होगा, मतलब सबसे पहले जब आपका ट्रांजेक्शन होता है तब सबसे पहले आप उसको रिकॉर्ड करो, फिर बैलेंस शीट की डेट पर उसका वैल्यूएशन होगा, एंड लास्ट में जो फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस आता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र करना रहता है। अब हम उसी का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियरिटी आए और किस तरीके से इसको ट्रीट करना है, कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है वो आपको समझ में आ जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, सो आराम से ध्यान से आप इसको समझना। ओके, मैसर्स राजीव लिमिटेड हैज़ इम्पोर्टेड रॉ मटीरियल वर्थ ऑफ 60,000 येन ऑन 1 मई 2016, मतलब 1 मई 2016 को इंडिया की राजीव लिमिटेड ने 60,000 येन का रॉ मटेरियल परचेज किया। सो दैट येन इज अवर फॉरेन करेंसी। कितने का? 60,000 येन का, नॉट रुपीज। परचेज एग्रीमेंट प्रोवाइड पेमेंट टू बी मेड ऑन 31 दिसंबर। 1 मई को हमने परचेज किया और पेमेंट हमको कब करना है? 31 दिसंबर को। मतलब 1 मई से 31 दिसंबर हमारा क्रेडिट पीरियड है, उतना हमको क्रेडिट मिला हुआ है, 31 दिसंबर को हमको पूरा पेमेंट कर लेना है। कंपनी का अकाउंट क्लोज होता है हर साल 30 सितंबर को, मतलब एवरी ईयर अकाउंटिंग ईयर का एंड हो रहा है कंपनी का 13 सितंबर को। नॉर्मली 31 मार्च को हर एक कंपनी का होता है, बट क्वेश्चन में अगर आपको 30 सितंबर बोला हो तो 30 सितंबर, क्वेश्चन में जो भी बैलेंस शीट डेट दी हो वो हमको मान लेनी है। तो यहाँ पे तीन डेट हमारे पास कौन कौन सी है, 1 मई को ट्रांजेक्शन हुआ, 13 सितंबर को बैलेंस शीट की डेट, एंड 31 दिसंबर को हम करेंगे उसको पेमेंट। ये तीन डेट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जब भी हम फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन का क्वेश्चन करते हैं तो बेसिक क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है कि हमेशा आपके पास तीन डेट होनी चाहिए और उन तीन डेट का आपके पास फॉरेन एक्सचेंज का रेट होना चाहिए। जैसे तीन डेट मैंने आपको बताई, 1 मई, 30 सितंबर एंड 31 दिसंबर। नीचे आप देख सकते हो कि इन तीनों डेट पे जो भी रेट मार्केट में चल रहा है वो रेट आपको दे दिया है। जिस दिन हमने परचेज किया, दैट मीन्स कि ऑन द डेट ऑफ परचेजिंग 1 मई को, उस टाइम पे आप देख सकते हो कि 45 का रेट चल रहा था। फिर बैलेंस शीट की डेट आती है 13 सितंबर, यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए 31 दिसंबर को पहले दे दिया है, बट 1 मई के बाद हमारी डेट कौन सी आएगी? 13 सितंबर बैलेंस शीट की डेट, और उस टाइम पे रेट चल रहा है 44.85 का। और उसके बाद जब 31 दिसंबर आया तब रेट क्या चल रहा है? 46.50 का। तीन डेट, तीन रेट, तीनों अलग अलग, राइट? अब कुछ नॉमिनल चीज़ें जो मैं आपको हिंट के तौर पे बता रहा हूँ वो आपको खास ध्यान रखनी है कि जब आप इम्पोर्ट करते हो, इंपोर्ट करने का मतलब जब आप उसको परचेज करते हो, यहां पे मैं लिख लेता हूं नोट्स करके, जब आप परचेज करते हो तब आपको क्या ध्यान रखना है। परचेज करते वक्त अगर आपका रेट इंक्रीज हो रहा है, अगर हमारा रेट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि आप देखो यहाँ पे 1 मई को 45 का रेट था, 13 सितंबर को 44.85 का रेट हुआ, मतलब रिड्यूस हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ अगर इंक्रीज हो रहा हो तो आपको क्या करना है। अगर रेट इंक्रीज हो रहा है तो दिस इज वन टाइप ऑफ लॉस, आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। कैसे? आप समझो, एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जब आपने परचेज किया तब 60 का रेट चल रहा था, राइट? उसके बाद बैलेंस शीट की डेट पे रेट बढ़ के हो गया 65, जब आपने परचेज किया तब 60 का रेट, जब बैलेंस शीट बनाने की बारी आई तब रेट क्या चल रहा है? 65 का। मतलब कितने रुपए इंक्रीज हुए? 5 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ? आपने परचेज 60 पे किया लेकिन जब आप बैलेंस शीट की डेट पे रेट देखोगे तो 5 रुपया बढ़ गया। मतलब अगर आप बैलेंस शीट की डेट पे उसको पेमेंट करने जाते हो तो आपको 60 नहीं, आपको कितना पे करना पड़ेगा? 65। फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन का एक रूल होता है कि आपने परचेज कोई भी रेट से किया हो
डजेंट मैटर, आपको पेमेंट करते वक्त जो मार्केट में रेट चल रहा होगा वही रेट से आपको पेमेंट करना होगा। तो अगर रेट इंक्रीज होता है तो हमको तो नुकसान ही है, हमको ज़्यादा देना पड़ेगा। आप सिंपली समझो ना कि पहले मेरे को आपको 60 रुपीज़ ही देने थे, अब मुझे आपको कितने देने पड़ेंगे, 65। क्यों? क्योंकि आपका रेट इंक्रीज हो गया है मार्केट में, और जब रेट इंक्रीज होगा तो मुझे लॉस होगा, मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। और यही चीज़ 65 की जगह अगर रेट हो जाता 53 का, तो पहले मुझे 60 देने थे, अब मुझे कितने देने पड़ेंगे, सिर्फ 53। मतलब मुझे 7 रुपीज़ का क्या होगा, बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा, मतलब मुझे कम पेमेंट करना पड़ेगा। सो इम्पोर्ट करते वक्त अगर आपका रेट इंक्रीज होता है तो इट्स वन टाइप ऑफ लॉस, आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आपका रेट डिक्रीज होता है तो इट्स वन टाइप ऑफ गेन, और आपको रिड्यूस पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब आपको कम पेमेंट करना पड़ेगा। सो अगर रेट कम होता है तो मुझे फायदा है क्योंकि मैं इंपोर्टर हूँ। ये बात हम किसके लिए कर रहे हैं, इंपोर्ट के लिए, कि जब हम कोई चीज़ फॉरेन से परचेज करते हैं और अगर फॉरेन एक्सचेंज का रेट कमिंग डेट्स में इंक्रीज होता है तो हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा, हमको नुकसान होगा, और अगर रेट डिक्रीज होता है तो हमें फायदा होगा और हमें कम पेमेंट करना होगा। क्लियर, समझ में आया इतना? ओके, तो ये खास आपको ध्यान रखना है कि इंपोर्ट करते वक्त अगर रेट बढ़ता है तो लॉस और एक्स्ट्रा पेमेंट, रेट घटता है तो गेन और रिड्यूस पेमेंट। ओके, चलो अब हमारे केस में हम देखते हैं सबसे पहला काम हमको क्या करना है। जिस दिन हमने माल खरीदा, किस दिन खरीदा, 1 मई 2016 को, तो रूल के मुताबिक इनिशियल रिकॉग्निशन आपको करना पड़ेगा, मतलब सबसे पहले जिस दिन आपने परचेज किया उस दिन की जर्नल एंट्री हमको पास करनी पड़ेगी। तो चलो मैं यहाँ पे डेट में लिख लेता हूँ जर्नल एंट्री के, 1 मई 2016 मैंने परचेज किया तो माल मेरे पास आया, तो मैं जर्नल एंट्री क्या पास करूँगा, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू। अच्छा, हमने उधार में खरीदा है और पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ, सो हम क्या लिखेंगे, क्रेडिटर्स, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर। कितने का माल हमने खरीदा था, 60,000, पर 60,000 किस चीज़ का, 60,000 येन का माल हमने खरीदा था, इट्स अ फॉरेन करेंसी, हमने 60,000 येन का माल हमने खरीदा है और हमको उसको किस में कन्वर्ट करना है, रुपीस में। जिस तारीख को हमने खरीदा उस तारीख को भाव क्या चल रहा है, एक येन का 45 रुपीस। हमने कितने येन का माल खरीदा, 60,000 का, तो 45 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको हमारा रुपीस में आंसर मिलेगा, 60,000 इंटू 45, 27 लाख रुपीस का हमने गुड्स खरीदा है। अगर रुपीस में बात करें तो कितनी अमाउंट हो रही है, 27 लाख। येन की बात करूँ, फॉरेन करेंसी की बात करूँ, तो कितने का माल खरीदा हमने, 60,000 येन का, उस दिन पे भाव क्या चल रहा है, 45, मतलब हमने 27 लाख रुपए का माल खरीदा। ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट होता है, इनिशियल रिकॉग्निशन, जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ उस दिन जर्नल एंट्री आपके बुक में हो जानी चाहिए। इसके बाद क्या, अब इसके बाद कौन सी डेट आ रही है, देखो 1 मई का ट्रांजेक्शन कंप्लीट, अब हमारे पास बची है दो डेट, 31 दिसंबर और 13 सेप्टेम्बर। अब हमारा आ रहा है बैलेंस शीट की डेट, 13 सितंबर सबसे पहले आ रही है, उसके बाद दिसंबर आएगा। 13 सितंबर को जब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं उस टाइम पे रेट क्या चल रहा है, 44.85। उस टाइम पे रेट क्या चल रहा है, 44.85, मतलब रेट क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। रेट रिड्यूस हुआ तो मुझे क्या होगा, गेन होगा। रेट के रिड्यूस होने से मुझे क्या फ़ायदा है, मुझे गेन होगा। तो बैलेंस शीट की डेट पे आपको क्या करना पड़ता है, अपनी अकाउंटिंग चेंज करनी पड़ती है। क्यों ऐसा, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हो तो वो आपने क्रेडिटर के थ्रू परचेज की, मतलब उधार में परचेज की, जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो आपके जो क्रेडिटर है बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड, उनकी अमाउंट करंट डेट के हिसाब से और करंट रेट के हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ता है, AS 11 के रूल्स के मुताबिक। भले ही आपने 45 में खरीदा हो लेकिन बैलेंस शीट की डेट पे क्या रेट चल रहा है, उस हिसाब से आपको अपने क्रेडिटर्स को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो अगली एंट्री जो हम कर रहे हैं दैट इज 13 सितंबर 2016 को, रेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होने का मतलब हमको क्या हो रहा है, फायदा।
कितना रेट हुआ 44.85, या मैंने ब्रैकेट में लिख लिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। हमने परचेज किया तब रेट किया था 45, बैलेंस शीट की डेट पे रेट कितना है 44.85, तो कितना रेट डिक्रीज हुआ, डिफरेंस निकालेंगे हम 45 माइनस 44.85, 0.15 का डिफरेंस है। 0.15 से रेट क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। रेट डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, हमको कम पेमेंट करना पड़ेगा, हमको फायदा हो रहा है, तो हमको फायदे की यहाँ पे एक जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। क्या जर्नल एंट्री पास होगी, तो एंट्री ध्यान से देखना, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू फॉरेन एक्सचेंज गेन एंड लॉस अकाउंट। एंट्री क्या होगी, फॉरेन क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू फॉरेन एक्सचेंज गेन एंड लॉस अकाउंट। कितना गेन हो रहा है आपको, 0.15 का। कितना गेन हो रहा है हमको, 0.15 का। तो 0.15 के हिसाब से अमाउंट कितनी होगी, तो आप देखो, आपने टोटल 60,000 के येन का ट्रांजेक्शन किया था, उस पर आपको 0.15 का फायदा हो रहा है, तो 60,000 इंटू 0.15 आपको 9,000 रुपये का फायदा हो रहा है। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू फॉरेन एक्सचेंज गेन एंड लॉस 9,000। समझ में आया, पहले इनिशियल रिकॉग्निशन, फिर बैलेंस शीट की डेट पे आपको देखना है आपका रेट इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ। अगर रेट डिक्रीज हो रहा है, मतलब आपके क्रेडिटर्स क्या होंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। इसलिए आप देखो, मैं आपको टेक्निकली समझा रहा हूँ, यहाँ पे क्रेडिटर्स को आपने क्रेडिट किया था, यहाँ पे आपने क्रेडिटर्स को क्या किया, डेबिट किया, मतलब आपके क्रेडिटर्स जो है वो 9,000 रुपये से क्या हो गए, कम हो गए। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज का रेट क्या हुआ, डाउन गया, और जिसको हम फॉरेन एक्सचेंज गेन एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं। तो जो भी डिफरेंस हो बैलेंस शीट की डेट पे, या तो गेन होगा या लॉस होगा, दोनों में से एक तो होने ही वाला है। अगर आपको लॉस होता तो इस एंट्री को सिर्फ उल्टा कर देना है आपको, फॉरेन एक्सचेंज गेन एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर। अगर आपको लॉस होता है तो, गेन होता है तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू फॉरेन एक्सचेंज गेन एंड लॉस अकाउंट। क्लियर, समझ में आया, 9,000 रुपये से आपको फायदा हुआ। क्लियर, अब आप एक काम करके देखो, 27 लाख अमाउंट थी हमारी क्रेडिटर की, उसमें से 9,000 माइनस कर दो तो बचेगा कितना, 26,91,000 के क्रेडिटर अब हमारी बैलेंस शीट में पड़े। जब हमने परचेज किया था तो 27 लाख रुपीस के क्रेडिटर थे। जैसे ही रेट को रिड्यूस हुआ बैलेंस शीट के टाइम पे, हमारे क्रेडिटर रिवाइज होके 26,91,000 के हो गए। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज का रेट क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। अब बैलेंस शीट की डेट भी कंप्लीट हो गई। अब अगली डेट आती है हमारी पेमेंट करने की डेट। अच्छा, पेमेंट हम कौन सी डेट को कर रहे हैं, उनको 31 दिसंबर को। तो अगली एंट्री हम 31 दिसंबर 2016 को करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 31 दिसंबर 2016 को रेट क्या चल रहा था, 46.50। रेट क्या चल रहा है, 46.50। तो यहाँ पे डेट के नीचे मैं पहले रेट लिख लेता हूँ, 46.50। क्लियर, 50 है not 15। देखो, जब हमने बैलेंस शीट बनाई तब क्या रेट चल रहा था, 44.85। जब हम पेमेंट करने जा रहे हैं 31 दिसंबर को, तो क्या रेट चल रहा है, 46.50। रेट बढ़ा के घटा, नाउ रेट इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज होने का मतलब हमको नुकसान हो रहा है, हमको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा अब उनको। जब बैलेंस शीट बनाई थी तो 44.85 था, अब जब हम पेमेंट करने जा रहे हैं तो अचानक से रेट बढ़ गया। कितना रेट बढ़ गया, डिफरेंस निकालो, 44.85 मेरा पिछला रेट था माइनस 46.50 हमारा करंट रेट है, मतलब 1.65 से हमको लॉस हो रहा है। हमको कितना नुकसान हो रहा है, 1.65 से लॉस हो रहा है हमको। अब जब लॉस हो रहा है तो एंट्री क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जो प्रॉफिट की एंट्री आपने पास की है उसी को उल्टा कर देंगे, तो लॉस की एंट्री बन जाएगी, फॉरेन एक्सचेंज
गेन एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर अकाउंट। ओके, कितने फॉरेन करेंसी है हमारे पास, 60,000 इनटू कितना डिफरेंस आया 1.65 का, तो 60,000 इनटू 1.65 टोटल 99,000 रुपीस का हमको नुकसान हो रहा है। कितना नुकसान हुआ हमको टोटल 99,000 रुपीस का। समझ में आया नुकसान कैसे हुआ, जब रेट बढ़ेगा तो डिफरेंस जो है वो हमारा नुकसान है, रेट घटेगा तो डिफरेंस जो है वो हमारा क्या है, गेन है। मतलब अगर आप टेक्निकली देखो, 27 लाख का माल खरीदा था, फिर 9,000 का फायदा हुआ, मतलब 9,000 रुपए माइनस करो तो 26,91,000 का जो पेमेंट है वो बैलेंस शीट की डेट पे हमको करना था। जब पेमेंट करने गए तो 99,000 का नुकसान हो रहा है, मतलब प्लस 99,000 करो आप, मतलब अब आपको 27,90,000 का पेमेंट करना है। 27 लाख माइनस 9,000 प्लस 99,000, रिवाइज पेमेंट की अमाउंट कितनी आ रही है, 27,90,000। क्यों ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, क्योंकि रेट जो है वो बढ़ गया है, और जब रेट बढ़ता है तो हमको नुकसान होता है। तो चलो अब हम पेमेंट की एंट्री करेंगे, 31 दिसंबर 2016 को ही हमको पेमेंट करना है। पेमेंट किसको करना है हमको, क्रेडिटर को। तो क्रेडिटर्स अकाउंट हम क्या करेंगे, डेबिट टू, पेमेंट कर रहे हैं इसलिए टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट करना है, तो हमने कितने डॉलर का माल खरीदा था, कितने येन का माल खरीदा था, 60,000 येन का। अभी रेट क्या चल रहा है, जिस दिन हम पेमेंट करने जा रहे हैं उस दिन रेट चल रहा है 46.50 का। तो 60,000 इंटू 46.50 आप कैलसी में करोगे तो आपका आंसर आएगा 27,90,000। यही अमाउंट हमने डायरेक्ट कैलकुलेशन करके भी देखा था कि भाई 27 लाख के क्रेडिटर है पहली एंट्री में, फिर क्रेडिटर डेबिट हो रहे 9,000 से तो माइनस किया, फिर क्रेडिटर क्रेडिट हो रहे 99,000 से तो हमने दोबारा उसको प्लस किया, और नेट अमाउंट कितनी आई थी, 27,90,000। आप डायरेक्ट रेट से भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपकी यही अमाउंट आ रही है। अब आप देखो आपके क्रेडिटर का जो अकाउंट है ना वो जीरो हो जाएगा। आप कैलसी में दोबारा करके देखो, स्टार्टिंग में क्रेडिटर क्रेडिट कितने से हुए, 27 लाख से, फिर सेकेंड एंट्री में देखो डेबिट हो रहा है, मतलब माइनस करेंगे 9,000 तो कितना बच रहा है क्रेडिटर में, 26,91,000। थर्ड एंट्री में आप देखो क्रेडिटर क्रेडिट हो रहे, मतलब प्लस करेंगे 99,000, और फोर्थ एंट्री में 27,90,000 से डेबिट हो रहा है, मतलब माइनस करेंगे तो अमाउंट हो रही है जीरो। क्यों जीरो हो गया, क्योंकि हमने उसको पूरा पूरा पेमेंट कर दिया है। तो जब भी फॉरेन एक्सचेंज का हम क्वेश्चन गिनेंगे, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शंस का, तो सबसे पहली एंट्री इनिशियली रिकॉर्ड करने की, जो रेट चल रहा है उस रेट से रिकॉर्ड करो। सेकेंड एंट्री बैलेंस शीट की डेट पे गेन या लॉस हो रहा है उसकी इफेक्ट। थर्ड एंट्री पेमेंट की डेट पे जो गेन और लॉस हो रहा है उसकी इफेक्ट। फोर्थ एंट्री पेमेंट करने की, पहली एंट्री परचेज, सेकेंड और थर्ड एंट्री आपकी होगी गेन और लॉस की, एंड फोर्थ एंट्री होगी आपके पेमेंट की। जो पहली बार आप रिकॉर्ड करते हो, ठीक है, और जो बैलेंस शीट के टाइम पे रेट चल रहा होता है उसका डिफरेंस जो होता है वो आपका गेन और लॉस होता है बैलेंस शीट के टाइम पे। फिर जब आप पेमेंट के टाइम पे जो आपका रेट चल रहा है उसकी कंपेरिजन आपके पिछले रेट से करनी है। जैसे यहाँ पे 46.50 है हमारा बैलेंस शीट की डेट पे, तो मैंने उसकी कंपेरिजन 45 के साथ नहीं की, मैंने उसकी कंपेरिजन किसके साथ की, 44.85 के साथ। ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको हमेशा पिछली डेट पे जो रेट चल रहा है उसके साथ ही कंपेयर करना रहता है। समझ में आया आपको, क्लियर है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दोबारा आप अच्छे से सुन लेना, कोई भी कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको अच्छे तरीके से घर पे इसको वापस सॉल्व करना है, रेट को समझना है, रेट इंक्रीज होता है तो क्या, रेट डिक्रीज होता है तो क्या। इस क्वेश्चन में मैंने दोनों डाल दिए थे, रेट डिक्रीज भी हुआ और बाद में रेट इंक्रीज भी हुआ, ताकि आपको समझ में आए कि ट्रीटमेंट में किस तरीके से चेंज होता है इंक्रीज और डिक्रीज होने पे। ओके,
अगले लेक्चर में हम इसी वैरायटी का एक और क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आए. ओके, बाय बाय.